पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया पॉजिटिव लिविंग विद वास्तु क्या ख्याल है बहुत अच्छा विषय आपने पसंद किया है वास्तु शास्त्र की शुरुआत जो है वो ही पॉजिटिव थिंकिंग से होती है तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आदमी की दुनिया बदल जाती है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है बहुत अच्छे उलझे हुए रिलेशनशिप सुधर जाते हैं बच्चों का अच्छा एजुकेशन इम्प्रूव हो जाता है तो पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत से सारी चीज़ अपने आप पॉजिटिव हो जाती है जी एक पुरानी कहावत है और ये कोर्ट अक्सर कई जगह पढ़ने को आता है कि हज़ार मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है और उसमें है। एक सकारात्मक बात यह है कि यदि आपका पहला कदम पॉजिटिव एटीट्यूड से रखा गया हो सकारात्मक सोच से रखा गया हो तो हजार मील का सफर भी आसानी से बीत जाता, जाता है ये वास्तु और पॉजिटिव का पॉजिटिविटी का आपस में किस तरह से तालमेल है उसके बारे में कुछ बताइए सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अंदर जो शुरुआत होती है कि अलग अलग तरह के फाइव एलिमेंट के हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए उसके अनुसार उसका इंटीरियर सजावट सब प्लेसमेंट होना चाहिए क्योंकि हर दशा के साथ जो उसका एलिमेंट उसका बेस है जो उसका नेचर है उसके हिसाब से चीज़ों को रखने से वहाँ से क्रिएटिव एलिमेंट एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है और जो नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फिक्स है वो हमें फॉलो करने हैं तो हम उसके अलावा अपना क्रिएशन और ख़ुद की सजावट के हिसाब से जो चीज़ें रखते हैं तो वो दोनों के बीच के अंदर क्लैश होने की वजह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है और उसका नेगेटिव इफेक्ट आसपास में रहने वाले लोगों को उसका रिएक्शन मिलता है ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है तो जो शुरुआत की बात होती है कि भाई एलिमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ों को रखो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा तो उसमें प्रभाव अलग अलग तरीके से हो सकता है एक बात यह है कि आपने नाइफ ऐसे रखा कि आपको सीधी चोट लग गई और दूसरी बात यह है कि आपने उस तरह से उन चीज़ों को यूज़ किया कि जैसे आप समर के अंदर आप ज्यादा घर के अंदर हीट नहीं करते हो राइट उस तरह से आप विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा उसको कूल cool नहीं करते हो बहुत ज़्यादा आप वहाँ एयर कंडीशन या इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो ये बात समझ में वाली है लेकिन कुछ लोग डिफरेंट होते हैं तो कई बार थिंकिंग की बात ये हो जाती है कि सोच विचार के अनुसार इंसान बनता है हर आदमी को पता है जब आप किसी भी गुरु को सुनते हो या किसी भी मंदिर में जाते हो तो हर इंसान को पता है कि अच्छा ह्यूमन बींग होना ज़रूरी है नहीं। चोरी नहीं करनी चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को नुकसान नहीं पाना ये सबको पता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद क्या हो जाता है सारे रूल साइड में चले जाते हैं और हम वही बन जाते हैं जो हमें उस वक्त उस जगह मौके की नजाकत के हिसाब से करना चाहिए जी। तो हम फ्लैक्सीबल हो जाते हैं बातों को बदल देते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल ह्यूमन बींग एक अच्छा आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है या किसी को लॉयर बनना है तो वो सिर्फ़ अपने माता पिता के कहने पे नहीं बन सकता या वो सिर्फ इस बात से नहीं बन सकता क्योंकि उसके दोस्त बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो बात उसके जहन में आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है मुझे डेंटिस्ट बनना है मुझे एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है मुझे एक अच्छा बिजनेस बनना है कोई भी तरह की एक सोच से उसकी शुरुआत होती है जी। जिस तरह का पर्सन वो बनना चाहता हो अगर उसको मान लो कि सोचने के बाद उस तरह का एटमोस्फियर ना मिले फाइनेंशियली चीज़ें ना मिले उसकी मेहनत कम पड़ जाए तो कई बार वो चीज़ आधी छूट जाएगी बट वो लास्ट मोमेंट उसकी सक्सेस तक वो तभी पहुंच सकता है कि उसकी शो सोच इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज़ को काट के भी वहाँ पे पहुंच जाएगा अगर फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपने एजुकेशन लोन या कुछ भी करेगा और पैसे का अरेंजमेंट करता है बच्चा अगर उसको पढ़ना है तो जिसको अगर कोई चीज़ करनी है वो हर हाल में कर लेता है हर हाल में तो उसकी शुरुआत के लिए जो उसका वो होता है, होता है उसका स्ट्रॉन्ग थिंकिंग जी तो पॉजिटिविटी में कमाल की ताकत होती है एक मोटिवेशन मिलता है और पल्लवी जी ने जिस तरह से कहा कि एनवायरमेंट पे माहौल पे आसपास के वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है यदि आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव होगा तो पॉजिटिविटी किस तरह से आएगी और पल्लवी जी इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि आप घर से बड़ा पॉजिटिव सोच करके निकलते हो लेकिन जब आप एक एनवायरनमेंट में जाते हो इर्द गिर्द के लोगों से मिलते हो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बदल सकते हो लेकिन कहीं कहीं जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो मात्र सोच आ, आ, क्या बदलाव ला सकती है सोच बहुत कुछ कर सकती है जैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग और वास्तु का कनेक्शन कैसे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करें तो घर का वास्तु बहुत अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो सको या अगर आपको लगता है कि आप उसका मुकाबला काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत से कर रहे हो तो उसके लिए आसपास के लोगों का थिंकिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो सबसे पहले इसमें हम तीन तरह से बात कर सकते हैं कि घर के लोगों का थिंकिंग पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या प्रभाव होता है घर के बाहर के लोगों का जैसे बिज़नेस का एटमोसफियर हो आप किसी के साथ काम करें अपने क्लाइंट्स हो बिज़नेस में अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने बॉस और कलीग्स आपके आसपास होते हैं तो इस तरह के एटमोसफियर में पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग से आपका वास्तु या अपनी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है और तीसरा हो सकता है कि आप अपने दूर के लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप और आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पूरी समाज व्यवस्था ऐसी है कि आपको पसंद नहीं करती सबका रिव्यू आपके लिए बदल गया और आप इतने बदनाम हो चुके और उसके बावजूद भी आपको लाइफ दोबारा शुरू कर रही है तो तीन तरह के थिंकिंग सोशल पर्सनल और एक्सटर्नल उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले पर्सनल थिंकिंग में मैंने अपनी वास्तु फंशु की प्रैक्टिस में जो ज़्यादातर देखा है अभी कुछ दिनों पहले की बात है मैं फिलाडेल्फिया किसी के साथ क्लाइंट के लिए कंसल्टिंग करने गई थी जी उनके हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कि पल्लवी जी बात यह है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है लेकिन जैसे ही घर आके कोई भी बात अपनी वाइफ से पहले कहता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करके ये करना चाहता हूँ पहले वहां से वो मेरा मॉरल सपोर्ट खत्म कर देती है वो सबसे पहले ये कह देती है नहीं फिर ये होगा ना फिर वो होगा ना वो वगैरह वगैरह जैसे आमतौर पर होता है जी। वो बोले मैं बहुत कुछ करने के बावजूद भी मेरी सबसे पहली नेगेटिव शुरुआत घर से ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ करने का उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता बात छोटी नहीं है बहुत बड़ी है एक आदमी उसके डायरेक्शन चार्ट के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है इतना पावरफुल उस पर्सन का चार्ट है उसको देख के मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो बिजनेस कर रहा है बहुत लिमिटेड कर रहा है जैसे आमतौर पर लोग करते हैं बट उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है मैंने उनको ये कहा कि आप 365 सिक्सटी फाइव डेज मुझे दे के देखो एक साल में मैं वो कर सकती हूँ कि वो वहाँ पे पहुँच सकता है जो उसकी डस्ट नहीं है लेकिन कई बार नाकामयाबी की वजह इंसान खुद नहीं होता है हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जब पति पत्नी मेच्योर हो रिलेशनशिप इतना पावरफुल हो तो जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें वो सपोर्ट करना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि किसी ने ग्रहों के अंदर एग्जैक्टली exactly प्रोडिक्शन नहीं देखा इस तरह से किसी ने भी अपने फ्यूचर अपनी हथेली में नहीं देखा जहां से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जी, जी। शुरुआत सिर्फ वहां से होती है मेहनत और थिंकिंग से हुँ. तो जब अपने घर का कोई पर्सन बच्चा हो वाइफ हो हस्बैंड हो अगर वो अपनी कोई बात बताता है वाइफ कई बार हाउस वाइफ होने के बाद ये कहे कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहती हूँ या कुछ भी जो भी उसके अंदर आर्ट और टैलेंट हो तो सामने वाले को उसको पहले तो सपोर्ट देना चाहिए उसकी पूरी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए फेल होना स्वाभाविक है कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार फेलर आदमी दोबारा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर एक मॉरल सपोर्ट मिलता है तो उससे आदमी फेल नहीं होता उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ अगर कोई हस्बैंड मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं जो काम कर रही हूँ मैं बहुत सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कोई भी चीज़ की शुरुआत से पहले मुझे कोई आदमी पहले से ही बता देता वास्तु क्यों कर रहे हो किस लिए कर रहे हो क्या ज़रूरी है घर में बैठो ना तो शुरुआत नहीं हो सकती जी, कहीं जी. किसी भी चीज की नहीं हो सकती तो उनके हस्बैंड की जो बात थी उसमें बहुत बड़ी बात थी कि जब पर्सन घर के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है तो सामने वाले को पूरे सोच समझ के उसको जवाब देना चाहिए शुरुआत होने के साथ उसको काट दो या एक डिप्रेसिव एटमोस्पियर कर दो तो उसका मोरल टूट जाता है तो उसके बाद हर चीज में आप बोल सकते हो नॉट वास्तु हर चीज में बोल सकते हो डॉक्टर क्या जरूरी है डॉक्टर बन बहुत सारे डॉक्टर है क्या कर लेते हैं हर चीज में बोल सकते हो लॉयर के बारे में बोल सकते हो तो क्रिटिसाइज करना बहुत और मामूली बात है किसी भी टॉपिक को क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी पर्सन को कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस की सबसे बड़ी शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से होती है जी दर्शकों पल्लवी जी ने बहुत अच्छी बात करी और उस बात का एक निचोड़ मेरे को एक कहावत से जहन में आती है और वो ये कि जिसने सोच लिया उसके लिए करना सिर्फ शेष है तो जब आपने एक पॉजिटिव विचार से सोच लिया बस करने की बात है वास्तु उसमें किस तरह से मदद कर सकता है उस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं देखते रहिए वास्तु लिविंग